Hello friends, welcome to Total Tamasha. Please subscribe our channel for more videos and click on bell button for latest notification. सीरियल कुमकुम भाग्य में फिलहाल आप देख रहे हैं कि प्रज्ञा मिस्टर महिला के लिए कॉफी बनाती हैं और एक वेटर को कहती हैं कि वो उन्हें कॉफी दे आए, लेकिन उसे कोई और काम होता है इसलिए प्रज्ञा को खुद जाना पड़ता है अभी के रूम में कॉफी देने। वही अभी अपने रूम में डिसाइड कर रहा होता है कि वो पार्टी में क्या पहने। इतने में वो वॉशरूम चला जाता है और प्रज्ञा वहाँ आती है। वो अभी के लिए कपड़े चूज करके कॉफी वहाँ पे रख के चली जाती है। फिर अभी बाहर आके कॉफी पी लेता है। दूसरी ओर रणवीर आर्यन को बताता है कि अब वो रिया को प्रपोज करने वाला है। शो में अब आप देखेंगे कि प्रज्ञा किचन में काम कर रही होगी, तभी आलिया उसे देख लेगी और वो ये देखकर शॉक हो जाएगी। अब कैसे आलिया प्रज्ञा को रखेगी अभी से दूर। वे खबरों की माने तो एक तरफ विक्रम और पल्लवी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा होगा, जहाँ पूरा मेहरा परिवार इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेगा। वही दूसरी तरफ प्रज्ञा कैटरिंग का काम किचन में कर रही होगी, तभी अचानक किचन में आग लग जाएगी और प्रज्ञा आग को देख के काफी घबरा जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी उसकी जान। पर दोस्तों आप टेंशन ना ले, क्योंकि प्रज्ञा को बचाने के लिए अभी अपनी जान लगाएगा दांव पर। जी हाँ, अभी अपनी जान की परवाह किए बिना कूद पड़ेगा आग में और बचाएगा प्रज्ञा को, लेकिन इन सब में वो पूरी तरह से झुलस जाएगा। ये देख रिया की निकल जाएगी चीख। जी हाँ, वो जोर से चिल्लाएगी पापा, जिसे सुन प्रज्ञा के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसे एक के बाद एक झटके लगेंगे, पहले तो अभी को देख, बाद में अपनी बेटी को देख। अब क्या प्रज्ञा अपनी हकीकत रिया को बता देगी कि वो उसकी माँ है, या फिर वहाँ से चली जाएगी? ये देखने के लिए आप देखते रहे हमारी चैनल टोटल तमाशा। और हमारी आज की ये खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।